नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा। आज की वीडियो उन महिलाओं व लड़कियों के लिए जिन्होंने लाइफ में कभी डांस नहीं किया, तो उनके लिए हम लेके आए हैं ABCD का स्पेशल फॉर्मूला। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो हमारी गारंटी है कि आपको 100% डांस आ जाएगा, क्योंकि हमने डांस बेसिक को 4 लेवल्स में डिवाइड किया है, A, B, C और D, और ये चारों लेवल हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक सेकंड के लिए मिस ना करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप श्योर कर लें कि आपने बेल आइकन भी प्रेस कर लिया हो, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम 4 पार्ट्स में, 4 लेवल्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे, A, B, C और D। सबसे पहले A, सबसे पहले आपने कमर पे हाथ रखना है और कमर दोनों तरफ चलानी है। देखिए, एक घुटने को मोड़ लेंगे पहले, जो आपको ठीक लगे वो घुटना, राइट या लेफ्ट कोई भी हो सकता है, उसको मोड़ लेंगे। मोड़ेंगे इसलिए ताकि आपको कमर चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। आप जब कमर को उठाएंगे तो ये आपको सपोर्ट करेगा। कैसे? सामने निकालेंगे, देखिए, फिर पीछे, देखिए आगे, ये मोड़ा था ये सीधा हो गया, फिर पीछे करेंगे तो फिर वापस मुड़ गया, इसलिए हमने मोड़ा था। देखिए आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे कमर चलाएंगे। आपने पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है कुछ देर या कुछ दिन, ये आपकी बॉडी पर डिपेंड है कि आपको जल्दी आएगा या लेट आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी आएगा। आपने ऐसे ही करते रहना है। एक बार इसको काउंटिंग के साथ करते हैं। ध्यान रखना कि पहले आपने घुटने को मोड़ के रखना है और कमर आगे पीछे करनी है, मतलब पहले आगे चलानी है। एक बार फिर से देख लीजिए, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, एक बार काउंटिंग के साथ। रेडी स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक स्पेशल छोटी सी टेक्निक और समझिए कि काउंटिंग कब करेंगे। काउंटिंग हम जब करेंगे जब कमर पीछे की तरफ चलेगी। देखिए आगे चला के पीछे 1, फिर आगे चला के 2, फिर 3, मतलब आगे चलने वाली को हम काउंट नहीं कर रहे, पीछे चलने वाली को काउंट कर रहे। एक बार फिर से काउंटिंग के साथ करते हैं। रेडी स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये था A। अब B में क्या करेंगे कि इसके साथ हम पीछे वाले पैर को भी चलाएंगे। पहले आपने A की प्रैक्टिस करनी है जब B आएगा। अब देखिए, जब कमर चलाएंगे तो पीछे वाले पैर को उठा लेंगे, मतलब जब कमर आगे चलेगी, कैसे, फिर से देखिए, कमर उठेगी तो पैर उठेगा, आराम से देखिए। इस पैर की हमने एडी को उठा रखा है ताकि उसके ऊपर हम वेट डाल सकें। कैसे, इसके ऊपर आए और फिर 1, काउंटिंग वैसे पीछे की तरफ, देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, समझिए, ए में सिर्फ कमर चलाई थी, बी में कमर और पीछे वाला पैर भी चलाया हमने। एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं बी। रेडी स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब ए करेंगे तो बी में जब एंटर करेंगे तो ए को बी के साथ करना, मतलब कमर को पैर के साथ करना है। ए थी कमर, बी था पीछे वाला पैर, तो बी में आएंगे तो ए को उसके साथ करना, मतलब कमर को पैर के साथ करना है। जब सी करेंगे तो ए और बी को सी के साथ करना है। सी क्या था, सामने की तरफ पैर निकालना। देखिए 1, 2, 3, 4। अब ए क्या था, समझिए, 1, 2। बी क्या था, पीछे वाला पैर, 1, 2। अब सी क्या है, जब पीछे वाला पैर रखेंगे, देखिए, तो आगे वाले पैर को सामने निकाल लेंगे। फिर से देखिए, जब पीछे आ जाएंगे बॉडी वेट आएगा पीछे वाले पैर पर, मतलब अपनी बॉडी का वजन अपने पीछे वाले पैर पर रखना और आगे वाले पैर को सामने की तरफ निकाल लेना। कैसे, 1, 2, 3, 4, ऐसे। ए में कमर, बी में पीछे वाला पैर, सी में कमर पैर और सामने वाला पैर। एक बार सी को करते हैं पूरे 8 पॉइंट काउंटिंग के साथ। रेडी स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इतना सीख लिया तो समझ लिया आपने बहुत सारा डांस सीख लिया, क्योंकि ये मेन बेसिक है बहुत सारे स्टेप्स का। अब इसके ऊपर डी करेंगे, ए कमर, बी कमर और ये पैर, सी आगे वाला पैर, तीनों मिला के। अब डी में हाथ और इसके साथ इन्वॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हाथ देखिए ऊपर की तरफ, 1, जिस तरफ कमर चलेगी उसी तरफ हाथ, देखिए 1, 2, 3, 4, फिर इधर 5, 6, 7, 8, अंदर की तरफ देखिए, हथेलिया खुद की तरफ, फिर
ऐसे। एक बार पूरे हाथ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये करेंगे ए बी सी के साथ डी और ऐड कर देंगे। एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आप इस बेसिक के ऊपर आप अनेकों स्टेप बना सकते हैं, बहुत सारे खुद के भी स्टेप बना सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ बता रहा हूँ। जैसे हमने ये किया, इसके बाद एक और करेंगे घूम के, देखिए हाथ ऐसे 1 2 3 4। पैर वैसे चलेंगे, ए बी सी वाला फॉर्मूला, हाथ ऐसे चलेंगे, घूमेंगे, घूम के आएंगे सामने की तरफ। कैसे, रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4। जब आप ए बी सी की प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपने ये वाला ऐड करना है। इसके बाद देखिए हाथ ऐसे साइड में 5 6 7 8। चार में घूम के 5 6 7 8 ऐसे। एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कमर सीख लीजिए, ए बी सी, उसके साथ हाथ अपनी मर्जी से कुछ भी आप स्टेप्स बना सकते हैं। आप मेहंदी के बना सकते हैं, बिंदिया के बना सकते हैं, काजल के बना सकते हैं, जो आप मर्जी स्टेप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं हमारे नई वीडियो में कुछ नए स्टेप्स के साथ, कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।